press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बांसुर में भाजपा के बागी देवी सिंह शेखावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रखी है। इससे न सिर्फ भाजपा के लिए जीत की राह में रोड़े नजर आ रहे हैं, बल्कि मुकाबला देवी सिंह और शकुंतला के बीच नजर आ रहा है। नारायणपुर में देवी सिंह शेखावत ने बाजारों में जनसंपर्क किया। इस दौरान व्यापारियों ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। जुलूस के रूप में निकले शेखावत के साथ हजारों युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनेकों समर्थक डीजे की धुन पर नाचते हुए नजर आए। अलवर जिले की 11 विधानसभाओं के चुनाव इस समय पूरे चरम पर हैं। अलवर जिले की अगर बांसुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से भाजपा से सीधे सीधे हम नाराज कहें, टिकट ना मिलने से खफा कहें, अलवर के न्यास अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत हैं जो आज अपने नारायणपुर में कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। उनके साथ जिस तरीके से हजारों का हुजूम इस समय युवाओं का है, उससे पहले हम कुछ जानना चाहेंगे। सर, क्या नाराजगी रही पहले भाजपा से, ये जानना चाहिए। एक तो मैं इस बांसुर क्षेत्र का सभी का बहुत लाडला हूँ। मुझे 36 कोम का आदेश हुआ, यहाँ एक बड़ा मुद्दा था। पिछले 40 सालों से यहाँ भारी हमारे प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा, दोनों में हमारे बांसुर तहसील का कोई प्रत्याशी नहीं होता था। 2.25 लाख यहाँ मतदाता हैं, तो लोगों को ये बात दिल में गहरे से लगी। जब मेरा टिकट फाइनल तकरीबन होने के बाद एक फिर बाहरी व्यक्ति को, जो यहाँ 10 व्यक्तियों को भी नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को लाया गया, तो लोगों का जो गुस्सा था वो उफान पर आ गया। और चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही दलों में जो संजीदा लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार देखते हैं, उनको ये लगा अगर ऐसा ही हुआ तो यहाँ बांसुर से कभी भी यहाँ कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं आ पाएगा। इसलिए सब ने दोनों ही राष्ट्रीय दलों को नसीहत देने के लिए मुझे एक प्रतीक रूप में यहाँ उतारा है, जो स्थानीयता के हिसाब से कि हमारे जो योग्य उम्मीदवार हैं उसके रूप में सभी लोगों के द्वारा मुझे 36 कौम के द्वारा आदेश हुआ और मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। और आप देख रहे हैं, चाहे बांसुर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे हरसोरा हो, चाहे नारायणपुर, मेरे साथ हजारों लोगों की भीड़ हमेशा चल रही है। और तकरीबन सभी कौम, चाहे SC समाज हो, चाहे हमारा ST समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, और महाजन समाज जो आमतौर पर कभी भी मुखर नहीं होता, वो भी मेरे समर्थन में खुले तौर पर जनता से समर्थन मांगकर मुझे भारी बहुमत से विजयी दिलाकर दोनों राष्ट्रीय दलों को नसीहत दिलाना चाहता है कि हमारे स्थानीय और योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी नहीं की जाए। जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपका आज हजारों की संख्या में हुजूम हम लोग देख रहे हैं, आपका रुझान, आपकी पकड़ वो नजर भी आ रही है, लेकिन अब जो मेरा ये आपको एक निश्चित तौर पे मानना है, जैसे मेरे सभी सहयोगी 36 कौम के लोग बोलते हैं, ये इतना आवश्यक है। जिस प्रकार से बांसुर का हर चेहरा, बांसुर का हर व्यक्ति ये चुनाव लड़ रहा है, उस तौर पर मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को वोट मिलेंगे, जितने मुझे वोट मिलेंगे यानी कि बांसुर को वोट मिलेंगे। देवी सिंह जी, एक लास्ट सवाल आपसे, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो हो सकता है कि पूर्ण बहुमत किसी को राजस्थान में ना मिले, कांग्रेस या भाजपा, अगर दोनों में से किसी एक को आवश्यकता पड़ती है, आप कौन सा दल चुनना चाहेंगे? मैं बांसुर की जनता के हवाले हूँ, 36 कौम के हवाले हूँ। जिस प्रकार से मुझे 36 कौमों ने मुझे जन समर्थन दिया है, मैं इनके आदेश का पालन ही करूंगा, मैं मेरी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा। जिस तरह से इस बांसुर तहसील का विकास हो सके और मैं सभी की भावनाओं का सम्मान कर सकूं, इस प्रकार का आदेश मैं जनादेश से फिर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम आपको बात करवा रहे थे, देवी सिंह जी का जिस तरीके से कहना है कि वो जनता की भावनाओं के साथ भी आगे चलने वाले हैं, जैसा कि माना जा रहा है कि अगर पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सरकार किसी की नहीं बनती है, देवी सिंह जी फैसला यहाँ की जनता पर छोड़ेंगे, किस दल के साथ जाना है, किसके साथ नहीं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।